आंतरिक सुरक्षा पर गृह मंत्रालय ने अहम बैठक बुलाई है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आंतरिक सुरक्षा पर बैठक होगी। एनएसए अजीत डोभाल, रॉ चीफ, आईबी चीफ समेत कई अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार अब पूरी तरह से अलर्ट है। उसे पता है कि जिस तरह की यहाँ पर कार्रवाई की गई है पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ, तो उसके बाद पाकिस्तान जरूर कोई ना कोई हरकत करेगा। तो उसके लिए कहीं भी कोई कमी छोड़ा नहीं चाहते हैं तैयारियों में केंद्र सरकार। और यही वजह है कि आंतरिक सुरक्षा के मसले पर गृह मंत्रालय ने अहम बैठक बुलाई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस बैठक में रहेंगे और इसके अलावा बहुत सारे मसलों पर चर्चा होगी। और वैसे पहले ही जो भी तीनों सेनाएं हैं, जल, थल और वायु सेना है, उन्हें हाई अलर्ट पर रख दिया गया है और तैयारी बॉर्डर के पास पूरी है कि अगर पाकिस्तान यहां से कोई हमला करता है, कोई कार्रवाई करता है, तो महज 5 मिनट के अंदर उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेनाओं को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। तो आगे किस तरह से रणनीति अपनाई जानी है, तो इसको लेकर फिलहाल आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक बैठक बुलाई गई है। गृह मंत्रालय ने बैठक बुलाई है और गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के जो चीफ हैं वो रहेंगे इस बैठक में। इसके अलावा एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी बैठक का हिस्सा है। और खुफिया एजेंसी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, चुपचाप आतंकियों को दफना रही है पाकिस्तानी सेना। जी हाँ, जहां पाकिस्तान खुलकर इस कार्रवाई को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो ऐसे में जो भी लोग यहां पर मारे गए हैं सर्जिकल स्ट्राइक में, उन्हें चुपचाप उनको दफन किया जा रहा है। हाफिज सईद अजहर मसूद को चुप रहने के लिए कहा गया है। सर्जिकल स्ट्राइक में जो आतंकी मारे गए हैं, फिलहाल अब उनका गुपचुप तरीके से उनको दफन किया जा रहा है। और खास तौर पर जो आतंकी संगठन के यहाँ पर मुखिया हैं, चाहे हम बात करें हाफिज सईद की, तो इनसे कहा गया है कि फिलहाल वो चुप रहें, किसी भी तरह की यहाँ हरकत ना करें। तो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट है। 48 घंटे में बड़े हमले की आशंका है। तो इसको देखते हुए जो भी दिल्ली की अहम इमारतें हैं, जो भी ऐतिहासिक स्थल है, वहां सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा मुस्तैद कर दी गई है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल अलर्ट हैं। नेपाल सीमा से सटी चौकियों पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। एसएसबी के जवानों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है भारत ने, तो पाकिस्तान किसी भी तरह की कायराना हरकत कर सकता है। खुलकर भले ही वो सामने ना आए, लेकिन वो अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने से पीछे नहीं रहेगा। तो ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और जो भी खास तौर पर महत्वपूर्ण इमारतें हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, वहां की सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई है। और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सेना ने ऑपरेशन रोक दिया है, लेकिन वो अलर्ट है, पूरी तरह से अभी सुस्ता नहीं रही है सेना। भारत की सभी सीमाओं पर सारे सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। ये तैयारी है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की। अगर वो कोई जुर्रत करता है, कोई कायराना हरकत करता है, तो ऐसे में उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकेगा। लेकिन इस दौरान हमारे नागरिकों को कोई नुकसान ना हो, उन्हें किसी तरह की क्षति ना पहुंचे, इसके लिए पाकिस्तान सीमा से सटे गांव खाली करवा लिए गए हैं। सीमा से 10 किलोमीटर अंदर तक के दायरे में जो भी गांव आते हैं, उन्हें खाली करा दिया गया है। और स्कूल जो है, इलाकों के स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई है। अस्पताल जो है, वहां इमरजेंसी को अलर्ट पर रखा गया है। डॉक्टरों की और इसके अलावा सिविल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। तो ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीमा पर पूरी तरह से चौकसी बढ़ती जा रही है। तो वहीं CCS की बैठक भी हुई है और जो गांव हैं लगभग सीमा से अंदर 10 किलोमीटर के दायरे में, उन्हें खाली करा दिया गया है ताकि कोई अगर सीमा के उस पार से हरकत होती है, तो उससे कम से कम किसी भारतीय को कोई नुकसान ना पहुंचे, किसी नागरिक को कोई नुकसान ना पहुंचे। और ये 5 तस्वीरें सांबा, आरएसपुरा, अटारी, नौसेरा, पठानकोट की हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से इन इलाकों को खाली कराया जा रहा है, क्योंकि कल जिस तरह से अखनूर में पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है, तो कुछ ऐसी ही उम्मीद उससे कर सकते हैं कि किसी तरह की कायराना हरकतों को वो अंजाम देता आया है। तो इसलिए अपने लोगों को सुरक्षित करने के लिए ये हाई अलर्ट है। बॉर्डर पर चौकसी है, तो 10 किलोमीटर के दायरे से लोगों को फिलहाल वहां से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी बधाई देना चाहता हूं। कामयाब ऑपरेशन है और इस बात की भी तसल्ली है कि सारे वर्ल्ड मीडिया को, वर्ल्ड के डिप्लोमेट्स को बताया गया है कि किन हालात में क्या किया गया, और ये बहुत अच्छी बात है। हम प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होना चाहिए।
18 जवान हमारे शहीद हुए थे और हमारी फौज ने कहा था कि उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। और अब जिस तरह से वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक हमारी फौज ने किया है, मैं कहूँगा कि हमारे जो जवान सिपाही जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि है। सबसे पहले हमारी बहादुर सेना को तो सलाम करता हूँ, और उसके बाद जो हमारे नेता है या जो हमारे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका इस साहसिक निर्णय के लिए उनका धन्यवाद करता हूँ और उनको सलाम करता हूँ कि उन्होंने ऐसा सख्त जो है कदम उठाया। और संतोष पाठक एक बार फिर से राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो संतोष, राजधानी किस तरह से तैयार हो रही है किसी भी पाकिस्तानी हरकत का जवाब देने के लिए? चलिए हम रुख करेंगे संतोष का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में बाकायदा हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और वहां पर बैठकों का दौर भी चल रहा है। तो हम अपने संवाददाता का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहाँ पर पाकिस्तान हरकत कर रहा है। उसने अखनूर में सीज फायर का उल्लंघन किया, रात 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लगातार फायरिंग की है, और यहाँ जिस तरह से हमले से इनकार कर रहा है, किसी तरह की वो यहाँ पर स्वीकृति नहीं दे रहा है, लेकिन जो आतंकी मारे गए हैं सर्जिकल स्ट्राइक में उनको फिलहाल चुपचाप दफन किया जा रहा है, और ऐसे में पाकिस्तान चुप बैठेगा ये नहीं समझा जा सकता है। इसलिए दिल्ली में पूरी तरह से तैयारी की जा रही है पाकिस्तान के किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए। तो दिल्ली में बैठकों का दौर इस वक्त चल रहा है, गृह मंत्रालय की बैठक भी चल रही है आंतरिक सुरक्षा को लेकर। तो संतोष, किस तरह से दिल्ली में तैयारी हो रही है तमाम हालातों से निपटने के लिए, बैठकों का दौर कैसे चल रहा है? देखिए प्रीति, आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा के मद्देनजर गृह मंत्रालय में जो उच्च स्तरीय बैठक अभी शुरू हो चुकी है, गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, आईबी चीफ, रॉ के चीफ के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जो दो शख्स है इसमें आईटीबीपी और बीएसएफ के महानिदेशक है। इसमें जो खुफिया इनपुट्स आ रहे हैं आंतरिक सुरक्षा को लेकर कि आतंकवादी संगठन कोई बड़ी वारदात कर सकते हैं राजधानी दिल्ली में और देश के कई बड़े शहरों में, उसको लेकर तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। सबसे बड़ी बात कि जो दो हमारे बॉर्डर है पाकिस्तान से लगती जितनी भी सीमा है वहां बीएसएफ की तैनाती है, तो बीएसएफ के महानिदेशक अपनी रिपोर्ट देंगे। चीन से लगती जो सीमा है वहां आईटीबीपी लगी हुई, तो आईटीबीपी के महानिदेशक को भी इस बैठक में बुलाया गया है। तो सरकार आंतरिक सुरक्षा को मजबूत कर रही है, सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था को कैसे पुख्ता बनाया जाए उसको लेकर भी एक तरह से विचार विमर्श कर रही है। तो एक महत्वपूर्ण बैठक अभी गृह मंत्रालय में चल रही है और आतंकवादी घटनाओं की आशंकाओं के मद्देनजर राजधानी दिल्ली सहित देश के कई बड़े शहरों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को मुस्तैद कर दिया गया है कि वो किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार रहे। और जहां तक सेना की बात है, सेना को भी साफ साफ ये कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी जवाबी कार्रवाई होती है या क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है तो उसका भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी सीमा से लेकर राजधानी दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है और सभी अलर्ट मोड में है, चौकस मोड में है किसी भी अप्रिय घटना से मुकाबला करने के लिए। संतोष, हर मोर्चे पर अलर्ट हो रहा है भारत, ताकि किसी भी तरह की अगर हरकत वहां से होती है तो उसका जवाब दिया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष आपका जानकारी के लिए। तो भारतीय सेना के ऑपरेशन सर्जिकल की पूरे देश में धूम मची हुई है। जैसे ही खबर आई कि सेना ने घुसकर आतंकियों को मारा है, तो उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से अलग अलग जगह जश्न मनाया गया। आगरा, मेरठ, वाराणसी, कानपुर, फर्रुखाबाद और मिर्जापुर की तस्वीरें हैं। तो कहीं मिठाइयां बांटी गई, तो कहीं पटाखे छोड़े गए, तो कहीं भारत माँ के जयकारे लगे, और इसके साथ ही सब ने पाकिस्तान को हिदायत दी कि अपनी हरकतों से बाज आ जाए, ये तो महज एक ट्रेलर है, अगर उसने इस तरह की करतूतों को बंद नहीं किया तो अंजाम क्या होगा इसका अंदाजा पाकिस्तान लगा ले। तो तस्वीरें हैं जहाँ लोगों ने पटाखे छोड़कर, मिठाइयां बांटकर, भारत माँ की जयकारे लगाकर अपने जवानों को नमन किया। और उरी में शहीद हुए बलिया के राजेश कुमार यादव की पत्नी और परिवार वालों ने भी भारतीय फौज को सलाम किया है और इसे शहादत का बदला माना है। हम उससे बहुत खुश हैं क्योंकि देश के लिए हमारा भाई तो शहीद हो गया, लेकिन आज भारत के फिर हमारे फिर वीर बहादुर भाई पाकिस्तान को मार के गिराए ना, उससे हम लोग को बहुत सुकून और बहुत अच्छी ठंड मिल रही है। बहुत खुश है कि हमारे भारतीय सेना ने जाकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया,
और इसी बात को लेकर मोदी जी को बोल रहे हैं जो ये पानी का पाकिस्तान में पानी जा रहा है ये बात सिलसिला चल रही है, इस पानी को रोक दिया जाए। और इसी बीच एक दुखद खबर भी आई, उरी के शहीदों की संख्या में इजाफा हुआ। यहाँ पर आज किशोर सिंह मिलिट्री हॉस्पिटल में जो भर्ती थे उन्होंने वहाँ आखिरी सांस ली। उरी के आतंकी हमले के दौरान जख्मी हुए थे, उनके पांव में और सीने में गोलियां लगी थी। काफी कोशिश की गई उनको बचाने की लेकिन बचाया नहीं जा सका और राजकिशोर सिंह भी देश के लिए कुर्बान हो गए। तो उरी में जो आतंकी हमला हुआ था उस दौरान शहीद होने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है।